गुड इवनिंग आज हम आईपीबीएस के इंटरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे आपको पता है काफ़ी समय हो गया है आप मेन के एग्ज़ाम दे और अब इसका रिजल्ट कभी भी आ सकता है और रिजल्ट आने के पंद्रह से बीस दिन के बाद में इंटरव्यू भी हो सकते हैं हमारा मानना है कि जनवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक या जनवरी के नेक्स्ट फोर्थ नाइट में ये इंटरव्यूज होने चाहिए अब प्रश्न होता है कि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स आजकल कोई भी एग्जाम आप देखेंगे सब जगह कंपटीशन का जमाना है प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि हर आधा मार्क हर कम से कम फ्रैक्शन का मार्क्स भी आपको डिफरेंस डाल देता है इसलिए 80 परसेंट वो आपके रिटर्न के मार्क्स जो हैं या कन्वर्सन फार्मूला है उसके हिसाब से वो आप कर चुके हैं 20 परसेंट जो है वो आपके इंटरव्यू का वेटेज है और जहाँ कम वेटेज होता है वहाँ का एक मार्क भी एक नंबर भी पांच गुना उसका वेटेज हो जाता है एक नंबर का मतलब पांच फाइव टाइम्स पांच नंबर के बराबर रिटर्न के और इसलिए इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए ये मेरा मानना है इंटरव्यू की तैयारी कहाँ करते हैं वो आपके ऊपर है हम लोग भी कराते हैं आज से नहीं पिछले पंद्रह साल से हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं विभिन्न प्रकार के बैंक्स की चाहे वो किसी भी प्रकार के हों चाहे आरआरबी हो आईपीबीएस हो एसबीआई हो प्राइवेट बैंक्स हो आरबीआई हो नाबार्ड हो सारे बैंकों की इंटरव्यू की तैयारी हम कराते हैं और बारह से तेरह हज़ार बच्चे विभिन्न बैंकों में लगे हुए हैं और इसलिए इसका अनुभव हमारे पास में है इसमें कोई दो राय नहीं मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ स्टेट बैंक ऑफ बीकान जयपुर में जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया उसका डी जी एम हूँ उसके बाद में प्राइवेट बैंक में भी सात साल काम किया हुआ है चालीस साल का बैंक का अनुभव है बैंकों के इंटरव्यू की प्रोसेस के बारे में हमें पता है कि क्या अपेक्षित क्वेश्चन है तो दोस्तों आज इसी पे चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में क्या तैयारी करनी चाहिए तो कुछ होती हैं जो पहले तैयारी की जाती है इंटरव्यू से पहले क्या क्या तैयार रखें और पहले आप तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डॉक्यूमेंट्स की क्योंकि हमने पिछले अनुभव में देखा है लास्ट मोमेंट तक लोगों के पास में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आया कोई मार्कशीट नहीं आई है और उसमें परेशानी हो जाती है अभी आपके पास समय है अपने डॉक्यूमेंट्स में सारी ओरिजिनल मार्कशीट मा, मार्कशीट दसवीं क्लास से लगा कर आखिरी क्लास तक की जो आपने कोर्स किया उसके बारे में अब मार्कशीट रहे मैं और यहाँ एक चर्चा और करना चाहता हूँ कि आप आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी और उसकी डिग्री अगर हो तो डिग्री या नहीं तो सर्टिफिकेट भी तैयार रखना चाहिए यहाँ एक प्रश्न होता है कई बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन को नहीं बताना चाहते साहब इसमें में डीप में चले जाएंगे और मेरा ये मानना है कि जितनी क्वालिफिकेशन आपकी ज्यादा होगी उसका वेटेज ज्यादा होता है ये अधिकारी की पोस्ट है ऑफिसर की पोस्ट है और जितनी एजुकेशन ज्यादा होती है हमारा ये मानना है आपकी निर्णय शक्ति जितनी बड़ी होती है ज्यादा होती है आप आज पीओ के रूप में लग रहे हैं आने वाले वर्षों बाद आप इसकी मोस्ट पोस्ट पोस्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये सब क्वालिफिकेशन ही काम आती है और इसलिए आप निडर होके अगर आपने नहीं भी भरा है तो तो भी आप अपनी मार्ग फाइनल की पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री या सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो भी तैयार रखें कास्ट सर्टिफिकेट एस सी एस टी का आपके पास होना चाहिए यहाँ यही दे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आधार पर प्रोफॉर्मा पे होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट एक साथ से पुराना नहीं होना चाहिए इसके बाद ई का सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर के आधार पर होता है तो आपके पास 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके पास होगी अगर नहीं है तो उसका लिंक आएगा उस वक्त आप निकाल लेना और कॉल लेटर की कॉपी होनी चाहिए इसके बाद अब पूछते हैं साहब ड्रेस के बारे में क्या करें तो देखिए ये सिलेक्शन प्रोसेस है और सिलेक्शन प्रोसेस में हम देखते हैं क्या कॉन्फिडेंस देखते हैं आपकी फिजिकल प्रेजेंस देखते हैं प्रेजेंटेशन देखते हैं आपका फेस उस पर आपके उसके इम्प्रेशन देखते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो ये जो ड्रेस है ना ये भी एक आपका प्रेजेंटेशन का एक अच्छा तरीका है मेरे ख़्याल से आपको स्मार्ट दिखना चाहिए आप और ये अच्छी ड्रेस इसी उसमें आपको मदद करेगी तो जो भी ड्रेस आपको शूट करता है कलर मेरे ख़्याल से आप उसकी पहले से तैयारी कर लें शायद कई बच्चे हमसे पूछते हैं साहब कौन सा कलर ले हों कौन सा कलर हमको शूट करेगा तो देखिए जो भी कलर आपको अच्छा लगता है चाहे वो ब्लू हो लाइट ब्लू हो चाहे वाइट में लाइन हो ब्लू लाइन हो यहाँ आपके पास बहुत छोटा चेक हो बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं यहाँ आपके पास पर्पल कलर हो कोई भी कलर आपको लगता है जो सूट करता है वो आपके इसके बाद सर्दी के दिन होंगे तो सर्दी में आपको अगर आपके पास ब्लेजर है कोट है तो वो भी पहन के जाइए टाई लगा के जाइए अब यहाँ टाई के ऊपर में बच्चे पूछते हैं कि साहब टाई मैंने कहा टाई इसलिए अगर आपको कन्वीनियंट है आपको ऐसा कोई अटपटा नहीं लगता है अगर आपको लगता है कि टाई पहनने से आप अनइजी हैं तो मत लगाइए अगर आप लगा सकते हैं आपने लगाई हो पहले तो टाई लगा के जाइए इसके बाद में कुछ लोग पूछते हैं साहब दाढ़ी के बारे में क्या करें तो दाढ़ी का आजकल तो देखो आपकी फोटो में दाढ़ी होगी तो उसको ट्रिम करा के जाइए और जिनकी फ़ोटो में नहीं है या बहुत कम है फ़ोटो में अंतर नहीं आता है तो बिना दाढ़ी के जाइए वो भी बहुत अच्छा लगता है हमको तो। ये जो है आपकी प्रेजेंटेशन ड्रेस के बारे में हमने बताया अब आते हैं साहब प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए देखिए मैंने आपको बताया है आ, कि कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन में एक एक मार्क्स भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रश्न ही आता है प्राय हमारा अनुभव है जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हमारे साथ अनुभव शेयर करते हैं उनका हमारे पास इंट्रेक्शन से लगता कई बार हमारा अनुभव हुआ है कि वो अंदर जाके घबरा जाते हैं इंटरव्यू का एक फोबिया होता है बच्चों में कि साहब पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे एंजाइटी क्रिएट हो जाती है स्ट्रेस आ जाता है और इससे वो जो याद करके जाता है वो भी भूल जाता है इसलिए इंटरव्यू की तैयारी से वन टू वन मॉक से पैनल के सामने मॉक से आप में ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इसलिए इंटरव्यू की तैयारी आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करती है आप में बोलने की कला आती है आप में जो है कम्युनिकेशन डेवलप होता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कैसे बोलना ये है इंटरव्यू की तैयारी से ही होता है इसके बाद में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो देखिए ये हमारा अनुभव है पंद्रह साल पुराना और अब तक है बारह से तेरह हज़ार बच्चे जो पास हुए इसका मतलब कम से कम पचास हज़ार लाख बच्चों के इंटरव्यू तो हमने तैयारी कराई होंगी और इसमें अब हम क्या क्या तैयारी क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो होता है बायोडाटा का आप कहाँ के हैं उसके बारे में पता होना चाहिए आपके एरिया के बारे में पता होना चाहिए उस एरिया में क्या पैदावार होती है क्या उपज होती है वहाँ की इकोनॉमी के क्या विशेषता है वहाँ के विशेष व्यक्ति का कोई नाम हो या कोई विशेष व्यक्ति अभी तो हो वहाँ एम नए बने वहाँ के एम एल कौन है वहाँ का कोई मिनिस्टर हो बना हो उसका नाम आपको तैयार होना चाहिए ये आपके पास बायोडाटा से संबंधित स्थान से संबंधित परिवार से संबंधित कि आपके फैमिली में क्या बिजनेस है कितनी जमीन अगर फार्मर रहता हूँ कौन कौन सी फसलें होती हैं ये सब बायोडाटा से संबंधित प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न आपको आपको पहले से तैयार होने चाहिए इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट पे आ जाइए उस डिस्ट्रिक्ट में क्या विशेषता है मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न राजस्थान में बाड़मेर हैं तो बाड़मेर में क्या पैदा होता है कौन कौन से खरीज मिलते हैं नागौर है तो नागौर में कौन कौन से खरीज मिलते हैं आपका हनुमानगढ़ है तो हनुमान में कौन कौन हनुमानगढ़ में कौन कौन सी जो है फसलें ज़्यादा होती है या कौन सा प्रोजेक्ट सरकार का नई फसलों के लिए चल रहा है ये सारे प्रश्न आपके एरिया से संबंधित होते हैं इसके बाद में एकेडमी में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न होंगे डेफिनेटली आपके ग्रेजुएशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन से लेवल के और यहाँ एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा पूछा गया है कि आपके लास्ट सेमेस्टर में या ईयर में कौन कौन से पेपर थे तो अपनी मार्कशीट जरूर देख लें उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग था हम जनरली वहाँ से ही प्रश्न पूछते हैं और ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं उसमें डीप में भी जा सकते हैं क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है इसके बाद कई बच्चों के गैप होता है कि साहब उन्होंने 2016 के बाद में आज इंटरव्यू दिया है तो इतने साल क्या किया 2016, 17, 18 के बाद में गैप का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 2020-21 के बाद में हो सकता है आपसे ज़्यादा इस पर नहीं पूछा जाए तो ये आप जिनाइन रीजन तैयार करें इसका ये जिनाइन रीजन क्या है कन्विंसिंग रीजन क्या है ये आपके पास उसका आंसर होना ही चाहिए अगर आपने कोई जॉब किया है प्राइवेट जॉब किया है छोड़ दिए तो क्यों छोड़ा उसको ये रीज़न होना चाहिए इसके बाद में बैंकिंग में क्यों आ, आना चाहते हो जनरली बैंकिंग इज ओपन फॉर ऑल सेक्टर्स सबसे बड़ी बात है कि बैंक एक विशेष सब्जेक्ट के लिए नहीं है यहाँ इंजीनियर भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के इंजीनियर आते हैं आर्ट्स के भी स्टूडेंट आते हैं साइंस के भी आते हैं और इसके अलावा इस आई पी बेस में स्पेशलाइजेशन भी है अब लॉ के भी आएंगे मार्केटिंग भी आएंगे ऐसो so एग्रीकल्चर भी आएंगे तो सब प्रकार के यहाँ स्पेलाइजेशन होते हैं बैंक में आने से क्या फ़ायदे हैं तो मैं थोड़ी सी बैंकिंग के सिस्टम में के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा सबसे पहला तो भारत का बैंकिंग सेक्टर इसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है आज लोन्स की ग्रोथ रेट पंद्रह परसेंट से ज्यादा है डिपॉजिट की ग्रोथ रेट टेन परसेंट से ज्यादा है इसके हाथ में जीडीपी में बैंकिंग सिस्टम का मोर देन सेवन परसेंट जो है कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में 180 लाख करोड़ के डिपॉजिट है एक लाख करोड़ के एडवांसेज है आप देख लिए कितना। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के के अकेले कस्टमर्स कितने? 35 45 करोड़ कस्टमर है आरआरबी रीज़नल रूरल बैंक के 32 करोड़ कस्टमर्स इनके हैं तो कितनी पॉपुलेशन बैंकिंग से जुड़ी हुई है आप अंदाज लगाइए 110 सौ 110 करोड़ बैंकों के अकाउंट अब अभी तक खुले हुए तो हैं ये है बैंकिंग में बैंकिंग में मैन पावर देखिए टोटल 15 लाख लोग है यहां काम करते हैं बैंकिंग में उसमें से पब्लिक सेक्टर में सात लाख छप्पन हजार सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड काम करते हैं और सात लाख पैंतालीस हजार प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उसमें से 62 परसेंट बिजनेस शेयर मार्केट शेयर वो आज भी सरकारी बैंकों के पास में हालांकि सरकारी बैंकों की जो पुनर्गठन हुआ इसमें मर्जर हुआ संख्याएं कम हुई हैं लेकिन मर्जर से बैंक स्ट्रांग हुए हैं एक लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट सरकारी बैंक देते हैं सब मिलाकर तो बैंकिंग सेक्टर अच्छी ग्रोथ वाला सेक्टर है और मैं अगर बताऊं आपको डाटा दूं साढ़े सात लाख आपके जो एम्प्लॉइज हैं पब्लिक सेक्टर के उसमें से दो लाख चालीस हजार एस के हैं पांच लाख एम्प्लॉयज वो है आपके नेशनलाइज बैंकों में जो ग्यारह बैंक है और अगर इसमें से एक परसेंट भी रिटायर होते हैं तो पांच हजार वैकेंसियाँ आती ही आती है एक्सपांशन अलग है तो आप देखिए ये बैंकिंग सेक्टर एक ग्रोथ वाला सेक्टर है यहाँ प्रमोशन टाइमली टाइम टाइम स्केल्स है टाइम के अनुसार आपका निश्चित हर बैंक की अपनी पॉलिसी है प्रमोशंस यहाँ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो आगे किसी भी पोस्ट पर सीनियर मोस्ट पोस्ट पर जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ ही चेयरमैन बनते हैं एस पी के जो पी है वो ही यहाँ के चेयरमैन या ईडी तक पहुँचते हैं प्रोवाइडेड आपके पास एज है वो फेवर में हो तो कहने का मतलब ग्रोथ के चांसेज अच्छे हैं और इसीलिए ये जॉब अट्रैक्टिव जॉब है और हर सेक्टर वाला व्यक्ति चाहे वो इंजीनियर वो भी यहां आना चाहता है प्रश्न होता है कि आपको टेक्निकल है तो टेक्निकल से यहां क्यों आना चाहते हैं जनरली वो इसलिए पूछते हैं कि क्या आप टेक्निकल में क्यों नहीं गए हो सकता है आपको प्लेसमेंट नहीं हो।, हो सकता है आप ने कोई गेट के एग्जाम दिया वो प्रश्न हम वन टू वन मॉक्स में भी तैयार कराते हैं तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बाद में बैंकिंग स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन देखिए बैंकिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन तो आप जानते हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर हमारे देश में विश्व के अन्य देशों के से थोड़ा डिफरेंट है हमारे यहां मल्टी ही टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम है हमारे यहां पब्लिक सेक्टर बैंक है प्राइवेट सेक्टर में है. हमारे यहाँ कॉमर्शियल बैंक है कॉपरेटिव बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमारे यहाँ नेशनलाइज बैंक है और सरकारी बैंक है कॉमर्शल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं फॉरेन बैंक्स हैं आर आर बीज हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं पेमेंट बैंक हैं और आजकल नियो बैंक्स भी हैं जो ब्रांचलेस बैंकिंग देते हैं तो ये हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है और बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर जो है हमारा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया का एक स्थिर बैंकिंग सिस्टम है स्थिर का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपने पढ़ी हो सुनी हो रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकिंग सिस्टम भारत का एक स्थिर बैंकिंग सिस्टम है। तो ये हमारा बैंकिंग सेक्टर है इसमें प्रकार होते हैं टाइप ऑफ बैंकिंग जिसमें डिजिटल बैंकिंग होती है ऑनलाइन बैंकिंग होती है ऑफलाइन बैंकिंग होती है वर्टिकल बैंकिंग होती है हॉरिजेंटल बैंकिंग होती है और ऑब्जेक्ट रिलेटेड बैंकिंग होती है जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक विशेष ऑब्जेक्ट से बनाए गए हैं जो स्मॉल फाइनेंस ही देंगे पेमेंट बैंक पेमेंट के लिए बनाए गए तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैंक की टारगेट ओरिएंटेड बैंकिंग सिस्टम है तो हमारा बैंकिंग सिस्टम सिस्टम जो है ये है मल्टीपल टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम है और जो आज की तारीख में अच्छी ग्रोथ दे रहा है एस्टेब्लिश है कोई किसी प्रकार का हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में कोई खतरा नहीं है एक पीरियड था थोड़ी बैंकों में कमजोरी आई थी बहुत सारे बैंक पी में आ गए थे लेकिन आज बैंकिंग सिस्टम आर के सहयोग से आर के कंट्रोल से अच्छे रेगुलेशन से अच्छे नेतृत्व से बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम है तो ये आपसे पूछा जा सकता है आर के बारे में पढ़ाएंगे आर के बारे में पूछेंगे रिजर्व बैंक रे, रेगुलेटर है रेगुलेटर के क्वेश्चन होंगे इसके फंक्शंस क्या है आप जानते हैं इसकी बैंक रेगुलेटर है ये सुपरवाइजर है बैंकों का मोटरी पॉलिसी जारी करता है इसकी डिटेल में आपसे आपको तैयारी करनी है हम पढ़ाएंगे एच रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जनरली आप बैंक में क्यों ना चाहते हैं ये एच आर का क्वेश्चन दूसरा आपको अपना विजन क्या है ये बताते हैं कि आप क्या सोच के आए कि या आप यहाँ सीनियर मोस्ट पोस्ट पर जाएंगे या टेम्प्रेरी आए छोड़ के भाग जाएंगे पीएचआर तो के क्वेश्चन एक एचआर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वह है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का आप आए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो जनरली देखिए हम लोग सबसे पहली चीज देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस आपकी निर्णय शक्ति आपकी डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं आपकी नॉलेज उसके बाद में आपकी लीडरशिप उसके बाद में कम्युनिकेशन ये सब चीज़ हम देखते हैं और यही आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये मेरा मानना है और ये अभ्यास से आ सकती है तो कहने का तात्पर्य ये आपके एच के क्वेश्चन है स्ट्रेंथ वीकनेस के इसके बाद में हमारे यहां जो सिस्टम है वो क्या है देखिए हमारे यहां पहले ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और उनका साथ के साथ रिकॉर्डिंग भी ऑनलाइन मिलता है मतलब साइमल टानियस ड्यूअल क्लास सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है हम जो यहां पढ़ा रहे हैं वो सेम चीज सेम टाइम रियल टाइम आप बाहर से भी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये हमने सिस्टम डेवलप किया इसके बाद में पर्सनली वन टू वन मॉक होते हैं और कितने होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है हालांकि कम से कम चार मॉक तो हम गारंटी करते हैं उसके बाद में हमारे यहां टीम है एक्सपर्ट्स की मैं हूं और भी हैं रिटायर्ड बैंकर सीनियर बैंकर वो भी हमारे पास पैनल पे आते हैं और हम पूरे पैनल इंटरव्यू भी करते हैं आपका तो हम पूरा आपको एक डेवलप करके कॉन्फिडेंस डेवलप करके आप में और यहाँ से तैयार करके हम भेजते हैं ये हमारा सिस्टम है अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि आप यहाँ आकर कुछ सीख के जाएं कॉन्फिडेंस डेवलप करके जाएं कम्युनिकेशन डेवलप करके जाएं ये हमारा उद्देश्य है और इसके लिए आप हमें हमारी साइट के अनुसार हमारे नंबर्स के अनुसार इंक्वायरी नंबर्स के अनुसार जो इसमें दिए हुए उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो ये और कोई क्वारी हो तो आप है हमें हमारे नंबर्स पर आप क्वारी भेज सकते हैं यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सारी पीजी व्यवस्थाएं व्यवस्थाएँ भी हमारे आसपास ही है उसकी कोई उसका जो है हम व्यवस्था करवा देते हैं तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू नया साल आ रहा है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मैं भगवान से यही कामना कर कामना करता हूँ कि नए साल में आपको ये सुअवसर प्राप्त हो आप सफल हों और आपका मिशन पूरा हो धन्यवाद